मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम एग्जाम रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, जो कि है पुष्पी पौधों की आकारिकी से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। पहला है, जड़ विकसित होती है प्रांकुर से, मूलांकुर से, बीज पत्र से या मूल गोप से। आंसर है मूलांकुर से। दूसरा है, मूसला जड़ के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, गाजर, प्याज, शकरकंद। आंसर है गाजर। तीसरा क्वेश्चन देखें, मूलजाभासी के अतिरिक्त पौधों के अन्य अंग से विकसित जड़ मूल कहलाती कौन सी मूल कहलाती? पहला मूसला जड़, झकड़ा जड़, तीसरा अपस्थानिक जड़ और चौथा ग्रंथिल जड़। सही आंसर है अपस्थानिक जड़, तीसरा। चौथा, वेलेमन कोशिका पाई जाती है श्वसन मूल में, अविस्तंभ जड़ में, कंद मूल में, आर्किड की वायवी मूल में। आंसर है फोर्थ, आर्किड की वायवी मूल में। पांचवा क्वेश्चन देखो बच्चों, शिरा विन्यास एक पर्याय है जो निम्नलिखित में से किसी विन्यास के पैटर्न के बारे में बताता है। पुष्पी अंग, पुष्प क्रम में पुष्पों का क्रम, फलक में शिराएं तथा शिरिका, ये सभी। आंसर है तीसरा, फलक में शिराएं तथा शिरिका। छठवा देखो, पुष्प क्रम में जहाँ पुष्प अग्राभिसारी क्रम में पार्श्व रूप में लगे होते हैं, उनमें सबसे तरुण पुष्प कलिका की स्थिति होगी निकटस्थ, दूरस्थ, अंतरा, पक्षमा भी, कहीं भी। आंसर है सेकंड, दूरस्थ। सातवां क्वेश्चन, तुलसी में पुष्प क्रम पाया जाता है, पहला कूटचक्रक, दूसरा छत्रक, तीसरा हाइपेंथोडियम, चौथा मंजरी। आंसर है कूटचक्रक, पहला। आठवां, चतुर्दीर्घी दशा पाई जाती है मटर में, कद्दू में, गुड़हल में और सरसों में। तो सही आंसर है चौथा, सरसों में। नौवां क्वेश्चन देखो बेटा, आवृत बीजी मटर जैसे पौधों में परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता, क्योंकि यह पौधे आवृतबीजी नहीं होते, इनमें द्विनिषेचन नहीं होता, इनमें भ्रूणपोष नहीं बनता, या चौथा, बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता। आंसर है चौथा, बीज के विकास के दौरान विकसित होने वाले भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, आवृतबीजी पादपों में निषेचन द्विनिषेचन से भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यह भ्रूणपोष किसके बीजों में नहीं होता? पहला चना, आर्किड, मक्का या अरंडिया कैस्टर। आंसर है दूसरा, आर्किड। 11th देखो, परिदल पुंज शब्द प्रयोग होता है जब उमंग एवं बाह्य दल समान हो, बाह्य दल एवं दल पुंज समान हो, उमंग एवं जायांग समान हो, दल पुंज व जायांग समान हो। आंसर है दूसरा, बाह्य दल एवं दल पुंज समान हो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जैसे दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों में विशेष प्रकार की जड़ें होती हैं, यह जड़ें खाली स्थान कहलाती हैं। आंसर है श्वसन मूल। आंसर नीचे यहाँ बच्चों टाइप दें, इनको देख लीजिएगा। दूसरा, श्वसन मूल खाली स्थान में पाई जाती है। आंसर राइजोफोरा, श्वसन मूल राइजोफोरा में पाई जाती है। तीसरा देखो, जड़ का सिरा एक टोपी नुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे खाली स्थान कहते हैं। जड़ के सिरे को क्या कहते हैं? मूलगोप। जैसे कैप लगाते हैं अपन, ऐसे ही जड़ में भी एक कैप जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? मूलगोप। तो जड़ का सिरा एक टोपी नुमा रचना द्वारा सुरक्षित रहता है जिसे मूलगोप कहते हैं। तना बीज के खाली स्थान से विकसित होता है। आंसर है प्रांकुर से। पांचवा, आलू एक खाली स्थान है, आलू एक तना है, भूमिगत तना। ऑस्ट्रेलियन बबूल में पर्णव्रत के रूपांतर को खाली स्थान कहते हैं, पर्णकाय व्रत इसका आंसर है। जालिका में तथा समानांतर शिरा विन्यास क्रमशः द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के अभिलक्षण हैं। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है। जायांगोपरिक पुष्प में
अंडाशय खाली स्थान होता है? आंसर 9वां, देखो जायंगोपरिक पुष्प में अंडाशय पुष्प के अन्य भागों में होता है। 10वां, देखो नारियल में खाया जाने वाला भाग खाली स्थान होता है तो भ्रूणपोष। अब सत्य और असत्य देखो, मूल गोप जड़ के शीर्ष की रक्षा करता है, सत्य है। प्रॉप रूट सहारा देने वाली जड़ी है, ये भी सत्य है। पुष्प प्ररोह का परिवर्तित रूप है, सत्य है ये भी। चौथा देखो, असीमाक्ष पुष्प क्रम में पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं, सत्य। 5वां, बंध्य पुंकेसर स्टेमिनाइट कहलाते हैं, अगेन सही है ये। 6वां, ऐसे फल जिनका निर्माण अंडाशय से होता है कूट फल कहलाते हैं, उत्तर असत्य। 7वां, बिना निषेचन के विकसित होने वाले फल अनिषेकी पार्थिनोकार्पिक फल कहलाते हैं, सत्य। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, मैं आंसर दूंगी, आंसर नीचे टाइप है, आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। पहला, दो ऐसे पौधों के नाम लिखिए जिनमें मूल रोम नहीं पाए जाते। आंसर है यूट्रिकुलेरिया एवं वॉल्फिया। क्वेश्चन नंबर 2, श्वसन मूल का उदाहरण दीजिए। आंसर राइजोफोरा। तीसरा, अदरक एवं हल्दी में किस प्रकार का भूमिगत तना है, ये प्रकंद कहलाता है। चौथा, अदरक तथा प्याज के कौन से भाग खाने योग्य हैं, तो ये कैसे हैं, अदरक में क्या खाते हैं, प्रकंद, और प्याज में शल्क पत्र। 5वां, सरसों में किस प्रकार का दलपुंज पाया जाता है। आंसर क्रूसीफॉर्म। आंसर नीचे दिए हुए हैं बच्चों। 6वां, तुलसी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, कूट चक्रक या वर्टिसिलास्टर पुष्पक्रम पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। परिदल पुंज का उदाहरण दीजिए, उत्तर है प्याज। घटपर्णी में पौधे का कौन सा भाग रूपांतरित होता है, आप सबको अच्छे से याद होगा, पत्ती वाला भाग। 10वां, एक जालिकावत शिराविन्यास किन पौधों में होता है, उत्तर द्विबीजपत्री पौधों में। 10वां, देखो एक बीजपत्री पत्ती में किस प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। आंसर समानांतर। मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए, पाइसम सटाइवम। टमाटर का वानस्पतिक नाम लिखिए, लाइको परसियम एस्कुलेंटम। बिग्नोनिया के अंकुश पत्ती के किस भाग का रूपांतरण है, उत्तर पर्णक का। पर्णाव ग्रंथ किसका रूपांतर है, उत्तर पर्णव्रंथ का। अब आते हैं अति लघुत्तरी प्रश्नोत्तर पर। प्रश्न क्रमांक 1, जड़ किसे कहते हैं, जड़ पौधे का अवरोही भाग है, अवरोहित भाग नीचे की ओर जाने वाला, जो बीजों के अंकुरण के समय भ्रूण के मूलांकर की वृद्धि से बनता है और प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है। मूसला जड़ किसे कहते हैं, मूसला जड़ या सामान्य जड़ें मूलांकुर से विकसित होकर एक मुख्य अक्ष प्राथमिक जड़ बनाती हैं, जो ऊपर मोटी और नीचे भूमि की गहराई में पतली और शाखित होती जाती हैं। ये शाखाएं द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ कहलाती हैं। उदाहरण, सभी द्विबीजपत्री पौधों की जड़ें जैसे आम, मटर, मूली। प्रश्न क्रमांक 3, झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ों से आपका क्या तात्पर्य है, ऐसी जड़ें जिनका विकास तो मूलांकुर से होता है परंतु इसकी प्राथमिक मूल अल्पायु होती है, शीघ्र नष्ट हो जाती है, इसके स्थान पर मूल तने के आधार से अनेक जड़ें निकल आती हैं, ये जड़ें ही झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ें कहलाती हैं, उदाहरण गेहूं, धान आदि की जड़ें। क्वेश्चन नंबर 4, अपस्थानिक जड़ें किसे कहते हैं, ये जड़ें जिनका विकास मूलांकुर से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, अपस्थानिक जड़ें एडवेंटिशियस रूट कहलाती हैं, उदाहरण घास, बरगद के तनों से निकली जड़ें। जनन मूल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कुछ ऐसे पौधे जैसे शकरकंद, सतावर, परवल आदि पौधों की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं जिससे एक नए पौधे का जन्म होता है, अतः ऐसी जड़ों को जनन मूल कहते हैं। मूल ग्रंथिकाएं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में किस प्रकार सहायक होती हैं, मटर कुल के पौधों की जड़ों में अनेक छोटी छोटी ग्रंथिकाएं होती हैं जिसमें जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो सहजीवी के रूप में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती हैं और भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं। श्वसन मूल पर टिप्पणी लिखिए,
दलदली भूमि में उगने वाले पौधों की जड़ें ऑक्सीजन की अपर्याप्तता के कारण भूमि के अंदर ना जाकर ऊपर मुड़ती हुई दलदली सतह से बाहर आती हैं। उनके अग्रभाग पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे वात्र रंध्र कहते हैं। इनसे गैसों का आदान प्रदान होता है। ऐसी जड़ों को श्वसन मूल कहते हैं, जैसे राइजोफोरा। तना किसे कहते हैं? बीजों के अंकुरण के समूह प्रांगपुर से विकसित होने वाले पौधे का वह भाग जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती अर्थात प्रकाश की ओर, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती अर्थात भूमि से विपरीत जाता है, शाखाएं पत्तियां फूल फल आदि धारण करता है, तना कहलाता है। प्रकंड क्या है? यह तने का भूमिगत रूपांतरण है जिसमें भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। उदाहरण अदरक। भूमिगत तने में तने का कौन सा लक्षण दिखाई पड़ता है? भूमिगत तने में पर्व संधियां तथा पर्व स्पष्ट दिखाई देते हैं। आलू की आंखों से क्या तात्पर्य है? आलू एक रूपांतरित तना है जिस पर उसकी आंखें या पर्व संधियां होती हैं। इन आंखों में अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं जिनसे एक नया पौधा उत्पन्न होता है। स्तंभ प्रतान से आप क्या समझते हो? यह दुर्बल तनों वाले पौधों में पाया जाने वाला तने का वायवीय रूपांतरण है जिसमें तने की कक्षस्थ कलिकाएं धागे के समान पतली कुंडलित होकर आधार को पकड़कर पौधे को आरोहण में मदद करती हैं, जैसे अंगूर का प्रतान। क्वेश्चन नंबर 13, अंगूर के प्रतान को तने का रूपांतरण क्यों कहते हैं? अंगूर का प्रतान टेंड्रिल तने के शीर्षस्थ कलिका से उत्पन्न होता है, अतः यह तना है, इसलिए अंगूर के प्रतान को तने का रूपांतरण माना जाता है। ट्यूनिकेट बल्ब से आप क्या समझते हो? यह भूमिगत तने का एक प्रकार है जिसका आकार चकती के समान होता है। यह चारों ओर से शल्क पत्रों से घिरा होता है। इसमें शल्क पत्र संकेंद्र की क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बल्ब के चारों ओर कुछ झील सूखे झिल्ली युक्त शल्क पत्रों से ढका रहता है और ट्यूनिक बनाता। उदाहरण प्याज। स्टोलन एवं रनर में अंतर समझाइए। स्टोलन या भूस्तारी, यह अर्धवायवी तने का रूपांतरण है जिसमें मुख्य पौधे के भूमिगत भाग से एक शाखा निकलती है, भूमि के अंदर कुछ दूर तक बढ़ती है, फिर सतह पर आ जाती है। इसके अग्रभाग की पत्तियां निचले भाग की जड़ों से निकलती हैं, जैसे अरबी पुदीना। जबकि रनर ऊपर भूस्तारी में तना दुर्बल रेंगने वाला, पर्व लंबे पतले होते हैं जैसे घास, खट्टी बूटी आदि। तो बच्चों, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डिस्कस करें।